अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे देख रहे हैं लाहौर में, मेरे ही घर पे। जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ सैटरडे की लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि आज मुझे तीसरा दिन है यहाँ पे। बस घर में आए, घर के काम ख़त्म नहीं हुए, बहुत सारे काम थे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर करनी है, वो इसी व्लॉग में करूँगी, वो है आप लोग जाके सबसे पहले देखें मेरा अब्दुल्ला शाह हाजी वाला व्लॉग, और सी व्यू पे जो मैंने अपनी फ्रेंड मेरी फ्रेंड और मैंने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, उस तमाम क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये है कि एक चीज़ जो लाहौर आके डिफरेंट हुई है, वो ये हुई है कि मेरे साथ आ गया है एक और बंदा हमारे घर में, और वो साहब जो हैं वो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। इसको मेरे लिए मुसीबत ही बन रहा है कभी कभी ये, लेकिन ये चलो मेरा दिल साथ जी हैं। कौन वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे साथ हैं ये जनाब साहब, ये आप देख रहे हैं डॉगी, ये है जी, ये हमने पाल लिया है इसको। ये मुझे कुछ भी नहीं कहता, पहले पहले ही मुझ पर बहुत, जिस दिन मैं आई उस दिन तब होगा इतना होगा इतना होगा, अगले दिन से ये मेरे साथ सेट था। और पहले मैं कुत्तों से वैसे मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, वो इसकी वजह से, इसकी इस साहब की वजह से अब मैं नहीं डरती हूँ। तो अब ये इसके साथ हम व्लॉग बनाया करेंगे, मेरे व्लॉग में ये भी हुआ करेगा, क्योंकि ये मेरा जान नहीं छोड़ता, जब तक ये यहाँ है तब तक ये मेरे साथ होगा ही होगा। तो चलते हैं, आप लोग जाके सबसे पहले देखें अब्दुल्ला शाह गाजी का व्लॉग, वहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया। कैसा है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, बहुत बड़ी हस्ती हैं वो, बहुत अच्छे हैं, उनको जाके देखें, ठीक है? उसके बाद मैं आपको अपना सीयू वाला व्लॉग कितने कितने की पूछ, वॉल क्लॉक्स भी है, शीशे भी हैं। ये कितने का है, कितने का है? बात सुनो, ये कितने का है? बिरयानी हमें देनी पड़ेगी। हमारा फेमस रास्ता यहाँ से ले फीमेल्स यहाँ से जाएंगी, औरतें यहाँ से जाएंगी। तो कुछ ना बिरयानी खानी है, पागल यहाँ के बाद अच्छा खाएंगे। यार जूता, अरे जूते उतारने पड़ेंगे यहाँ पे, अंदर वैसे नहीं जाने देंगे। रश देख, आज मैं तो कहती रश नहीं हूँ। इधर आ, इधर जूता इधर देना पड़ेगा, वहीं रखते हैं जूते। आओ हम उधर रखवाएं, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 उधर नहीं रखवा रहे हैं। भेजिया ये किया वो किया, मुझे नजर नहीं आ रहा, ब्लर हो रही है। इधर इधर लेडीज के साइड से जाएंगे। हाँ
लाइक करें। हम यहाँ के बैठते हैं फिर यहाँ वीडियो बनाएंगे। चल फिर अब काशिफ का नंबर दे, बुलाती हूँ मैं, बुलाती हूँ आ जा भाई, आ जा छुट्टी पर। मुझे थक जाता है, मैं कोई नहीं थकता। मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ ऐसे ही, कोई भी नहीं थकता। मुझे जान कह रहे थे बंदा ना थक जाओ किस चीज़ में, ये ना स्टेयर्स पे चढ़ते चढ़ते। हाँ मैंने कहा वो ही नहीं थकता, बंदा कहाँ थकता है। कम कर दी है, पहले ज़्यादा थी, कम की है अभी तो। हाँ यह पानी की बॉटल होनी चाहिए, डाइट इधर 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 इससे ऊपर आई थिंक है मजार कि पता नहीं इधर नहीं, इधर ही है ये वापसी का, इनकी बनाएंगे वापसी पे। इधर आइए मोबाइल को बंद करो बेटा, मोबाइल को बंद करें। ये जी अब्दुल्ला शाह गाजी साहब जो हैं हमारे, उनका मजार मुबारक है, ये कब्र है जिसपे हम लोग दुआ मांग रहे थे। यहाँ से फिर हम जब नीचे उतरे तो यहाँ पे तीन चार कब्रें आपने मेरे पिछले क्लिप में देखी होंगी। मैं यहाँ खड़ी हुई थी, यहाँ एक पिंजरा पड़ा हुआ था, उसमें ये बड़े खूबसूरत परिंदे थे, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं। तो मैंने फिर इसके पास आके वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत वीडियो अलाउ नहीं कर रहे थे कब्रों के पास। ऊपर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में भी बहुत मुश्किल से मैंने क्लिप बनाया छोटा सा, और यहाँ भी उनके शायद मतवली हैं या उनके अबाव अजदाद हैं, कौन है उनकी भी कब्रें हैं सारी। ये झूले रखे हुए हैं, इसमें लोग चंदा वगैरह डालते हैं। ये बना के हम लोग यहाँ से फिर हम लोग नीचे वापसी का रास्ता हमने लिया, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखें कितना प्यारा इंटीरियर है सारा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे, बहुत बहुत ज़्यादा सफाई भी थी। और यहाँ पे लोग इनका जो है ना, यहाँ पे जब हम रुके तो यहाँ पे इनका पूरा शजरा नसब लिखा हुआ है कि यह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से चलते हुए, ये ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत बड़े पीरो मुर्शद हैं, तो इनका जो शजरा है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, तो ये पूरा लिखा हुआ था। इसकी भी मैंने यहाँ पे आके, लोग पिक्चर्स भी ले रहे थे, हमने पिक्चर्स तो नहीं ली लेकिन हमने वीडियो बना ली थोड़ी सी। ये सारा देखें से पूरा उनका शजर नसब लिखा हुआ है, ख़ानदान वगैरह। यहाँ से फिर हम लोग ने नीचे का रास्ता जो है, नीचे सीढ़ियाँ जो स्टेयर्स जा रही हैं एक तरफ से ऊपर को आ रही हैं एक तरफ से नीचे को, ये देखें ये अंदर जाने का अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार की तरफ जाने का रास्ता है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा यहाँ दीवार पर खड़े होकर थोड़ा नीचे का व्यू बनाया कि यहाँ से देखें साइड पे सीढ़ियाँ, ये जो नीचे से सीढ़ियाँ, ये 101 सीढ़ियाँ हैं। लेकिन आप यकीन करें इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई थकन नहीं होती।
आराम से बंदा चढ़ जाता है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सारा रिकॉर्ड किया, सामने रोड भी चल रहा है, नीचे ये पास मस्जिद भी है, ये देखें सारे गुंबद, ये दरगाह है, यानी इस मज़ार पे जो मस्जिद है जामा मस्जिद वो ये है जी, आप गुंबद देख रहे हैं। और ये ऊपर से अब हम लोग यहाँ से हम साइड पे हो गए थे, हम नीचे की तरफ जा रहे थे, ये मैं साथ साथ शूट कर रही थी। ये थी मस्जिद, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और हम उमर शरीफ साहब और आमिर लियाकत साहब की कब्र ढूंढ रहे थे। तो यहाँ से फिर इन भाई साहब से हमने पूछा और हम फिर उस तरफ गए, मैं और मेरी दोस्त, हम लोग फिर उस तरफ चले गए कि चलो अब जहाँ पे उसने हमें बताया हम उस तरफ जा रहे थे। ये सारे अल्लाह के नाम ये वॉल पे बने हुए हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब ये बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, बहुत प्यारा मतलब इंटीरियर है अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार का, बहुत ही प्यारा मतलब इतना नफासत से बना हुआ है, जैसे आप कह लें कि कोई मुगलिया मस्जिद हो तो उसके अंदर जैसा इंटीरियर होता है इसको वैसा बनाया गया। और अभी इसको रिसेंटली रेनोवेट किया गया क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ था, तो उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेशन की गई थी। और यहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस था अलग से, फीमेल्स का जो है एंट्रेंस और जेंट्स की एंट्रेंस। ये जी अब हम जा रहे हैं ग्रेव यार्ड की तरफ, यानी यहाँ पे ना अबाओ अजदाद के कब्रिस्तान है, मतलब ये इनके कोई खलीफा होंगे या जो भी, यहाँ पे उनकी तमाम कब्रें थी। हम ढूंढ रहे थे उमर शरीफ साहब की और आमिर लियाकत साहब की, इसलिए हम इन तमाम कब्रस्तान से दुआ पढ़ते हुए गुजरते गए। सब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कब्रस्तान बना हुआ था, साफ़ सुथरा। और यहाँ पे देखें ये सारी कब्रों में हमने दुआ फातिहा पढ़ी, मैं ढूंढ रही थी, मैं नाम पढ़ रही थी साथ साथ सारे कि कौन सी किसकी कब्र है, शायद उमर शरीफ साहब यहाँ दफन हो, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। ये देखें सारी कब्रें बड़े तरीके से बनी हैं, बड़ी बड़ा साफ सुथरा ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ पे अच्छी खासी कब्रें थी। नेचुरल अल्लाह की तरफ से कोई नसीब होते हैं, ये भी खबर है ऊंची से। पूछ रही थी से बाहर ऐसा चलना तुम, जल्दी जल्दी तो मेरे साथ तो चलो। हैं हाँ यार, कब गिरा जो हम रहे बताओ, यहाँ पे कहाँ तूफान आया है। देखो
ये जी उमर शरीफ साहब की कब्र। ये है जी हामिद लियाकत साहब की कब्र, इस रूम के अंदर है लेकिन ये उनकी आखिरी आरामगाह है जो हमें यहाँ पे कवर नहीं करने दे रहे, उनकी वाइफ अंदर है इस वजह से इस रूम में हामिद लियाकत साहब की कब्र। ये भी कब्र है उमर शरीफ साहब, वो पीछे हामिद लियाकत साहब जी सारा। ये अंदर भी अंकल कब्रें हैं? हाँ ये हमारे यहाँ का तारुफ है ना। अच्छा ये जगह इनके खानदान की मंसूब है? आ, ये जो है वो नहीं, वो ऐसे खाली। अच्छा है। ये अच्छा इससे इससे अच्छा 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 ये हमें यहाँ पर साफ किया है। यहाँ से नजर आएगा? हाँ नजर आएगा। अच्छा ना ये मासूम शाह वो हमें लिया करते बीच में। हाँ ये हमें लिया कर मासूम शाह हमें लिया कर मासूम शाह। हेलो अच्छा मुझे आ रही है कॉल। अच्छा जूतियाँ जी हम ले रहे हैं चप्पलें। रोकड़ा बाहर आ रहा है रोकड़ा। यहाँ से आगे हो गए ना हमें चप्पलें ले, पैर तो इतने गंदे हो गए। तो एक ही है ना। देखना अपने जूते किधर पड़े हैं। कितनी जोड़ी? एक के दो। और तुमने वो फिर टोकन का फाइल। हम लोग आए हुए हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे और यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर दुआ भी मांग ली। सारा मैंने आप जो मज़ार है वो सारा रिकॉर्ड भी कर लिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं अपना व्लॉग जो है अपलोड करूँगी। इतने दिनों बाद आने की वजह ये है कि मैं इसकी वजह से पहले बिज़ी थी, ये मुझे टाइम नहीं दे रही थी तभी मैं यहाँ नहीं आ पा रही थी। अब ये आज मिली है तो आज टाइम मिला है तो हम आज यहाँ आए हैं, अच्छा इंजॉय भी कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सी व्यू की तरफ, ठीक है। और इसकी हरकतों पे ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, ये मैंने इसीलिए अपने व्लॉग में आज साथ लिया इसको कि ताकि व्यूज बहुत सारे हैं। चलो अब बता दो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यस एग्जैक्टली, ज़रूर 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 जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल तो मेरी मुलाकात आप लोगों से एयरपोर्ट पर होगी और वो मेरी फ्लाइट होगी दिल्ली, इसकी वजह से इसकी दुआ लगी आज। मैंने इसको मना किया था कि ना जाई फिर भी इसने फ्लाइट करवा ली, बोलती नहीं हो गई। देखा कहाँ मैंने 4 बजे की कराई थी अब 6 बजे की हो गई। खुशी खुशी पहना गहना पर मज़ार पे हम मज़ार पे आए हैं, हम दुआएं मांगने के लिए आए हैं और हमने जो दुआ मांगी है दुआ करें अल्लाह ताला वो जरूर पहुँचा। और एक मज़े की चीज़ ये हुई है कि ना यहाँ पे जो है मेरा जो वीडियो टाइमर है वो बढ़ा दिया है, ये सबसे अच्छा वरना 1 मिनट की मेरी बनती थी अब मेरी 2 मिनट की वीडियो बन रही है। चलें जी अब हम कहाँ जा रहे हैं आप बताओ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं सी व्यू। इसको धक्का देने इसको धक्का देने ना, 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 प्लान कर ले किसी और को धक्का देने ऐसे ही लेट्स ट्राई कौन जाता है। ओके।